फरहान कम से कम लाइट का बल्ब तो ठीक करवा ले। अपनी माँ से बोलो पैसे दे, लगवा देता हूँ। ये लो भाई, ये शैतान मियाँ तो पहले से यहाँ पर मौजूद है। चुप, क्या दुआएं पढ़ लो अपने ऊपर शर से बचने के लिए। अरे आपने मुझसे वादा किया था कि आप आज कोई भी फजूल बात नहीं करेंगे। मेरी जान, तुम्हारे महके वालों ने इतना जहर भर दिया है ना कि जुबान खुद ब खुद ही फिसल जाती है, क्या करूं। कोई कुछ भी कहे आप इग्नोर करें, आप बस चुप रहें। तुम्हारे घर वाले मौका नहीं देंगे तो मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा फरहान, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, चले ठीक है, मैं खून का ये घूंट पी लेता हूँ, सब तुम्हारे खान। और हाँ, हम यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आए, हम आदमियों से फाइल निकलवाने भी आए हैं। हाँ तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है बुआ, क्या बनाया? हम सबकी पसंद की डिशेस बनाई होंगी इन्होंने। अम्मी की तरह ख्याल जो करती है हमारा। अरे बेटा क्यों नहीं क्यों नहीं, अब तुम लोगों की एक नहीं बल्कि दो दो माए हैं। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम लोग। कितने लकी है ना हम लोग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई वाह। वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चियां इकट्ठी हो गई। अच्छा बेटा एक काम करो, तुम लोग चल के बैठो, ये मैं खाना वाना बना के ना वहीं पे आ रही हूँ। चले हानो, याद है आप ही तुम्हारी कितनी खिंचाई करती थी बचपन में। बाय गॉड। ये तंगी इतना करती थी मुझे, कभी मेरी चप्पल छुपा देती थी, कभी इस्त्री किए हुए कपड़े खुद पहन लेती थी। कोई सोच सकता है ये मैडम कितनी शरारती हुआ करती थी। तो जब बचपन में डांट के आप बात खत्म कर देती थी तो आज क्यों नहीं? बहनों की मजबूती इसे कहते हैं, कोई चाह के भी ये रिश्ता नहीं तोड़ सकता। इंसान तो चला जाता है लेकिन उसकी बातें याद रह जाती हैं। ये हम बहनों की बॉन्डिंग है जो हमारी माँ को जीने का हौसला देती है। मैं चाहती हूँ आप दोनों के दिल में जितनी भी गलतफहमियां हैं आज अभी इसी वक्त उन सारी गलतफहमियों को दूर करें और पहले जैसी हो जाए। सानिया भी जाने अनजाने में मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। बड़ी बहन हूँ ना, नाराज होना तो मेरा हक है। जानती हूँ मैं, आप दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है, आपने हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा। तुमने आज मुझसे माफी मांगकर मेरी सारी नाराजगी दूर कर दी आने। काश आज मानो भी हमारे साथ होती।